रणधर सुंदर सर जी, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी होता है। यदि ज्ञान की धारा समाप्त हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उसी दिन मानव जाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। महर्षि कणाद के एक शिष्य ने राज दरबार से काफ़ी कुछ धनराशि एकत्रित की ताकि गुरुकुल का निर्माण किया जा सके। कणाद ने कहा कि नहीं, मुझे राजसत्ता का धन नहीं चाहिए, तो तुम ले जाओ, इसे वापस कराओ। कणाद स्वयं निकले कुल्हाड़ा हाथ में लेकर, साथ साथ उनके शिष्यों का समूह चला। घने वन में जाकर उन्होंने वृक्षों की डालियों को काटना शुरू किया। शिष्यों ने भी उसमें सहभागिता दर्शाई। उन्हीं डालियों को लाकर झोपड़ियों का निर्माण हुआ, गुरुकुल का निर्माण किया गया। ऐसा महर्षि कणाद ने इसलिए किया था क्योंकि वे अपरिग्रह के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करते थे। जमीन के ऊपर जो भी अन्न गिरे होते थे उसी को चयनित करके घड़े में रख लेते थे, वही उनकी संपत्ति थी। गुरुकुल के निर्माण में भी उन्होंने यही सोचा कि सभी विद्यार्थियों के श्रम से जो गुरुकुल का निर्माण किया जाएगा उसमें एक दिव्यता होगी। राजा का धन जो कर के माध्यम से आया है, हो सकता है उसमें अशुद्धि हो। इतनी पवित्र भावना रखने वाले महर्षि कणाद जो एक बार की समाधि में बैठे बैठे कई कई माह लगा देते थे, ये उनकी उद्यत विचारधारा थी। कोई भी गुरुकुल यदि महान आदर्शों में जीता है, सारे संसार के लिए कल्याण का भाव सोचता है, भले ही वह झोपड़ियों में क्यों न हो, वही आगे बढ़ता है। सोने की ईंटों से बना हुआ यदि गुरुकुल ऊंचे आदर्शों को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता तो मानवता को विशेष शांति और ज्ञान का संदेश भी नहीं दे पाएगा। आज रामनाथ कन्या गुरुकुल का निर्माण होने जा रहा है, बहुत ही हर्ष की बात है और मेरी तरफ से शुभकामना है कि यहाँ से ज्ञान की जो रश्मियाँ फैलें, सारे संसार को प्रकाशित करें और इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, तन से मन से धन से। सब सुंदर सा से मैं आग्रह करूँगा कि किसी न किसी रूप में आकर तन से कुछ घंटों की नहीं तो कुछ मिनट की भी सेवा करें, ताकि यह दर्शाए कि हमने नारी शिक्षा के लिए जो कदम उठाया है, निजानंद समाज के इतिहास में पहला अवसर है जब हमारी बच्चियों को आध्यात्मिक प्रवक्ता बनने का अवसर मिलने जा रहा है। जो समाज नारी का सम्मान करना नहीं जानता, नारी को शिक्षा की तरफ ले जाना नहीं जानता, केवल वह सोचता है कि नारी केवल रोटी बनाने के लिए है या हमारी प्रजनन की वृद्धि के लिए है, तो वो सत्य का उपहास कर रहा है। ऐसे लोग इस कथन को याद नहीं रखते कि नारी निर्मातृभूत। जब तक नारी शक्ति आध्यात्मिकता की सुगंध लेकर के आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक समाज का कभी भी भला होने वाला नहीं है। और इसके लिए हमारे निजानंद संप्रदाय में पहला अवसर है जब नारी शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि हमारी बच्चियाँ वाणी वित्तक संस्कृत अंग्रेजी सभी विषयों में पारंगत हो और ब्रह्मवाणी के संकनाथ को तेजी से संसार में गुंजित कर सके। इसलिए जिनके पास आर्थिक संबल है वो उसको प्रदान करने का कष्ट करें, जिनके पास कुछ नहीं है कुछ घंटों के लिए भी आकर अपना श्रमदान करें, इस भावना से कि हमारी ये सेवा रहेगी। जब मक्के में पहली मस्जिद बनाई गई थी तो उसमें मोहम्मद साहब ने खुद अपने हाथों से काम किया था। मैंने आपको कणाद ऋषि का उदाहरण दिया, कणाद ऋषि ने खुद अपने कुल्हाड़े से वृक्षों की डालियों को काट काट कर गुरुकुल का निर्माण किया था। आज कणाद ऋषि का जो वैशेषिक दर्शन है परमाणु पर सबसे पहला व्याख्यान देता है। महर्षि कणाद ने ही पहले घोषित किया था कि परमाणु अविभाज्य है। आज संसार एटम्स को परमाणु मानकर तरह तरह के उसके कई सूक्ष्म कणों की कल्पना कर रहा है, लेकिन परमाणु का अर्थ ही होता है सूक्ष्मतम कण, जिससे परे सूक्ष्म कण न हो। कपिल ने, कणाद ने जो संसार को दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान दिया वह संसार में अनमोल है।
लेकिन किसी को यह पता नहीं कि महर्षि कणाद धन संग्रह से कोसों दूर थे। उनके अंदर जो तप त्याग था, एक घड़ा अन्न ही जिसकी संपदा हो, और जो समाधि में महीनों महीनों बैठा रहता हो, जो अपने कुल्हाड़े के प्रहार से वृक्षों की डालियों को ला करके गुरुकुल का निर्माण करता हो और अपने शिष्यों की एक लंबी श्रृंखला तैयार करता हो, कणाद ऋषि के इस आदर्श को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ किसी न किसी रूप में प्राणनाथ कन्या गुरुकुल से अपनी भावनाओं को जोड़ेंगे और इसके विकास में सतत सहयोग करेंगे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी को सूचित करते हुए मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि धाम धनी की अपार मेहर और हमारे श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी के मार्गदर्शन में गत वर्ष बड़ौदा में जिस कन्या गुरुकुल का भूमि पूजन किया गया, अब उसका निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है। शिक्षा समाज की आत्मा होती है। नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब में लिखा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरे समाज में क्रांति लाई जा सकती है, समाज को बदला जा सकता है। और यदि वह महिलाओं की शिक्षा हो तो यह और भी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। यदि हम भारत के इतिहास को देखें, आर्ष परंपरा को, गुरुकुल पद्धति को देखें, तो एक तरफ जहां अंगिरा, अत्रि और जमदग्नि जैसे महान ऋषि हुए जो विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे और तपस्वी थे, तो दूसरी तरफ कपाला, घोषा और गार्गी जैसी महान विदुषियां भी हुई, ब्रह्मचारिणियां भी हुई और तपस्विनियां भी हुई। लेकिन कालांतर में समाज अनेक कुरीतियों के जाल में फंस गया। महिलाओं का शोषण हुआ, महिलाओं से उनके अधिकार छीन लिए गए, और सबसे बड़ा घातक यह हुआ कि उनसे उनके शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। यदि मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं तो पढ़ करके यह आश्चर्य तो जरूर होता है कि जिस देश में शिक्षा की देवी सरस्वती स्वयं एक स्त्री है, उस देश में स्त्री को शिक्षा से कैसे वंचित किया जा सकता है। लेकिन अनेक महान पुरुष हुए, सावित्री बाई प्रफुल्ले, राजा राम मोहन राय, दयानंद, जिन्होंने इन कुरीतियों के विरुद्ध कड़ी आवाज उठाई और महिलाओं को उनका अधिकार पुनः दिलाया, उनको शिक्षा का अधिकार दिया। यदि हम निजानंद समाज को भी देखें तो आरंभ से ही निजानंद समाज में, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। महाराजा छत्रसाल के जीवन का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि जिस समय महाराजा छत्रसाल के दरबार में सौराठ देश से एक विदुषी महिला आती है जिसके तन पर कोई वस्त्र नहीं है, महाराजा छत्रसाल स्त्री की महिमा को देखते हैं, बड़े प्रेम से और बड़े सम्मान से उसे वस्त्र ओढ़ाते हैं और स्वयं ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर उसे जामनगर भेजते हैं, और जहां जाकर उन्होंने देवचंद्र जी के बाद ज्ञान की ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया और कालांतर में वो केशव बाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन विगत कुछ वर्षों में ऐसा रहा कि ज्ञान के प्रचार प्रसार का सारा क्षेत्र, सारा अधिकार पुरुषों तक ही सीमित रहा, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिलाओं को केवल रसोई, साजो श्रृंगार, भजन, नृत्य, गायन तक ही सीमित रख दिया गया। लेकिन श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संस्थापक हमारे श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी के हृदय की यह पीड़ा थी कि महिलाओं को पुनः उनका अधिकार दिलाया जाए, ज्ञान के प्रचार प्रसार में भी महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो, और अपने इस भाव को, अपनी इस सोच को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने कन्या गुरुकुल बनाने का संकल्प लिया। और आज धामधनी की मेहर से वह समय आया है कि इस गुरुकुल का निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है। संपूर्ण कन्या गुरुकुल और अब तक की कन्याओं की शिक्षा, उनकी व्यवस्था में महिला मंडल का सहयोग अवर्णनीय है।
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि महिला मंडल की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, लेकिन कोई भी महान कार्य अपने साथ अनेक चुनौतियां लेकर के आता है। लेकिन हम एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि यदि हमारा संकल्प सुदृढ़ है, यदि हमारी भावनाएं पवित्र हैं और यदि हमारा संगठन मजबूत है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती से भी आसानी से निपटा जा सकता है। मुझे याद आ रहा है कि जब श्री जी अपनी यात्रा के दौरान पूरणमल चारण के गांव में पहुंचते हैं, तो वहां पर श्री जी के लिए और सुंदरसाथ के लिए एक हवेली का निर्माण किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि उस हवेली की एक एक ईंट को सुंदरसाथ ने अपने हाथों से बनाया। निजानंद समाज के अंदर सेवा और संगठन का यह सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। आज समय की मांग है कि इस गुरुकुल के लिए, इस पुण्य कार्य के लिए हम सब पुनः संगठित हों और इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाएं। जो सुंदर साथ तन से सेवा कर सकते हैं, जो स्थानीय सुंदर साथ अपने तन की सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, वह अपना सहयोग दें, और देश और विदेश में जो सुंदर साथ अर्थ से सेवा कर सकते हैं, वह अर्थ से अपनी सेवा दें। हम सब अपना घर बनाते हैं। यह गुरुकुल एक ज्ञान का मंदिर बनेगा, एक ज्ञान का घर बनेगा, और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि एक दिन इस घर से, एक दिन इस मंदिर से हजारों दीपक प्रज्वलित होंगे, जो श्री जी के ज्ञान को, श्री प्राणनाथ जी की महिमा को और ब्रह्म ज्ञान को पूरे संसार में रोशन करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के इस कार्य में अपना सहयोग दें। लेट अस कम टुगेदर, लेट अस कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दिस नोबल कोज। आइए हम सब मिलकर के इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। प्रणाम सुंदर साहब जी।